हेलो फैमिली, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग करने वाले हैं डीएम आपके बारे में, आपके कल रात को क्या सोच रहे थे। लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को। तो गाइज, अभी से मैं रेगुलर होने की कोशिश करूँगी और आपके लिए रेगुलर वीडियोस लेके आने की कोशिश करूँगी। तो देखते हैं गाइज कि डीएम जो है वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे कल रात को। थैंक यू गाइज, आपने इतना सपोर्ट किया। और मैं लीव पे गई थी तो तभी भी आप लोग बने रहे। देखते हैं गाइज कल रात को क्या सोच रहे थे वो लोग। और काफ़ी दिन मैं पोस्ट भी नहीं कर पाई आप लोग के लिए। बट वो एक मच नीडेड ब्रेक थी गाइज। एक मेंटल पीस आ जाता है जब हम लोग ब्रेक ले लेते हैं। तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके डीएम ये सोच रहे थे कि मैं चले जाता हूँ और उसको एक सरप्राइज देता हूँ। वो मुझे अभी इस समय एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही है और वो मेंटली प्रिपेयर्ड है, इसलिए वो सोच रहे हैं कि आप उनको एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे तो वो आपको आकर के अप्रोच कर ले और देख ले कि भाई, क्योंकि उनको बिल्कुल विश्वास है कि आपका ध्यान उनकी तरफ नहीं है और आप उनमें इंटरेस्टेड नहीं हो। और लेकिन उनके मन की इच्छा ये है कि वो कल रात को उनका ऐसा लग रहा था कि आपको आके गले लगा ले, आपको आके मिल ले, आपसे मतलब अपना लव एक्सप्रेस करे, आपको जस्टिस दे, आपको क्लैरिटी दे। तो कल रात को गाइज आपके डीएम बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक और इमोशनल सोच रहे थे आपके बारे में, बहुत ही ज़्यादा थिंकिंग और फीलिंग में डिफरेंस होता है। लेकिन गाइज ये अभी उनकी थिंकिंग में आ गया है। उनको ऐसा लग रहा था कि आप बहुत लॉयल हैं उनके लिए, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, आप उनके लिए कुछ भी करने को तैयार थे, आपने उनको मतलब आप उनके लिए जैसे भी जितने भी पावरफुल हो आप, लेकिन आप उनके लिए अलग ही एक सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया आपने उनको। और ये वजह से वो सोच रहे थे कि अब जब ये हार मान चुकी है तो मुझे जाकर के इसको याद दिलाना होगा कि नहीं भाई, मैं अभी हूँ। वो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं कि आपसे क्या बात करनी है और क्या करना है, और अपने आप के सिचुएशंस भी ऐसे प्रिपेयर कर रहे हैं कि वो अगर आप उनसे जस्टिस मांगो तो वो आपको दे पाए। ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें उनके दिमाग में चल रही थी। मुझे लगा गाइज और कार्ड्स लेने चाहिए मुझे, तो इस वजह से एक ही चीज़ उनको रोक रही है गाइज की एक फॉरबिडन फ्रूट है कि भाई ये कनेक्शन लीगल नहीं हो पाएगा, ये कनेक्शन जो है सही नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक कंडीशन है। लेकिन उनको एक परेशानी ये भी है कि उनको ऐसा लग रहा है कि क्या इनके दिल में मेरी जगह ख़त्म हो चुकी है, क्या अब मैं इस पर्सन के लिए मैटर ही नहीं करता, इसलिए ये क्यों कोई एक्शन नहीं लेती, क्यों कुछ नहीं लेती है। इसने जो है कहीं ना कहीं अब वो अपनी गलतियां समझ रहे हैं और अब उनको लग रहा है कि भाई इसके पैर पे जाके गिर जाना चाहिए, ये इतनी अच्छी इंसान थी और मैंने इतना गलत किया और अब इसका प्यार कहीं मेरे लिए ख़त्म तो नहीं हो गया। तो ये सब सोच जो है कि मैं जाकर उसे बता देता हूँ कि मुझे ये रिलेशनशिप चाहिए, मुझे ये प्यार चाहिए, मुझे सब कुछ चाहिए, तो ऐसी वाली बातें हो रही थी। चलिए देखते हैं गाइस डीएम आपके लिए। सबसे पहले मुझे ये गाइडेड था कि देखते कि डीएम के कौन से चक्रास पे काम चालू है, फिर मैं डीएम के डायरेक्ट मैसेजेस भी निकालूंगी आप लोग के लिए अभी। तो पहले देखते हैं गाइस कि डीएम के कौन से चक्रास पे काम चालू है इस समय पर। तो डीएम जो है फीलिंग स्टक, हर चीज़ में जो है डीएम को ऐसा लगता है कि मैं स्टक हूँ यहाँ पर, मैं कुछ एक्शन नहीं ले पाऊँगा और कुछ नहीं हो पाएगा, और जहाँ मैं हूँ मैंने वो चूज़ किया है मेरे लिए तो मुझे यहीं पर रहना होगा। तो ये जो फीलिंग है थर्ड आई की ब्लॉकेज होती है और ये जो हीलिंग है वो उनके लिए किया जा रहा है एक तो है, और ऊपर से उनको इस कनेक्शन पे भरोसा बिल्कुल भी नहीं था। तो एक मिनट गई, उनको इस कनेक्शन पे भरोसा दिलाया जा रहा है, उनकी कन्फ्यूजन को दूर किया जा रहा है और उनका जो ऑब्सेशन है और कंट्रोलिंग चीज़ है
कि हर चीज़ उनके हिसाब से होनी चाहिए, वो भी थोड़ा सा काम किया जा रहा है कि उनको लेस ऑब्सेसिव बनाया जाए। तो ये सब काम जो है आपके डीएम के ऊपर चल रहे हैं, लोअर चक्रास एंड हायर चक्रास पे काम चल रहे हैं, सेक्रल चक्रा और थर्ड आई पे बेसिकली काम चल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है मैंने डेक उल्टा पकड़ लिया है, एक मिनट गाइस मैं इसको सीधा कर देती हूँ और फिर आप लोग के लिए अच्छे से शफल करके कुछ डीएम के मैसेजेस निकालती हूँ। बहुत टाइम हो गया हमने अपने डीएम से बात तक नहीं की है, तो देखते हैं कि हमारे डीएम आज हमको क्या कहना चाहते हैं, क्या रोमांटिक मैसेजेस देना चाहते हैं। ये जो डोर टू वैल्यू है ना रिवर्स में मुझे दिखाई दे रहा है डीएफ के लिए, और मुझे बहुत ज़्यादा कॉल कर रहा है और बोल रहा है कि इसके ऊपर बात करो। गाइस ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपके वैल्यू उनके नज़रों में बिल्कुल भी नहीं है और आपकी जो वैल्यू है वो ख़त्म हो चुकी है और आप बिल्कुल भी उनको मैटर नहीं करते। ऐसी चीज़ें डीएफ को लगती है जब डीएम कुछ भी फिजिकली या बोल के नहीं बताता है, तो डीएफ को ऐसा लगने लगता है कि डीएम को मेरी कोई परवाही नहीं है, मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है, डीएम कुछ बोलते ही नहीं है, डीएम कुछ करते ही नहीं है, तो ये लोग हम लोग को चाहते ही नहीं है, इनको हम अपनी ज़िंदगी में चाहिए ही नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे एंजल्स बता रहे थे आपको बताने के लिए। माय एंगर एंड ईगो लीड मी टू अ डाउनवर्ड स्पाइरल कॉल्ड लाइफ। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं कभी कभी डीएम, और फिर उनको मतलब अपने गुस्से और ईगो में कोई ऐसा स्टेप ले लेते हैं जो उनको नहीं लेना चाहिए, और वो बहुत एक बड़ा प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन बन जाता है। फॉर मी लव इज़ अ स्वीट फीलिंग दैट आई हैव फॉर यू। तो कहीं ना कहीं उनको लव है आपसे और उनको ये लव की फीलिंग अब महसूस भी होने लगी है। आई सी एन एंजल इन यू एंड सो यू आर सो प्योर नर्चरिंग एंड लविंग। ऐसे उनको फील हो रहा है कि आप बहुत ही एंजल जैसी हो, लविंग हो, कैरिंग हो, प्योर हो, नर्चरिंग हो। तो ये उनको बात समझ लग रही है अब, हाउ कैन यू टेक मी बैक एवरी टाइम। तो क्यों माफ़ कर देती हो मुझे हर बार, क्यों वापस ले लेती हो, ये वाली सिचुएशन है यहाँ पर। प्लानिंग माई वे आउट फॉर यू एंड होपिंग यू वॉन्ट रिजेक्ट मी। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहे हैं गाइज वो इस कनेक्शन में, और होप कर रहे हैं कि मैं ये सब कर रहा हूँ तो कहीं लेट तो नहीं हो गया है, कहीं ये मुझे रिजेक्ट तो नहीं कर देगी। आई थॉट आई फिगर्ड आउट लाइफ अनटिल यू केम इन टू इट। तो कहीं ना कहीं डीएम कह रहे हैं कि मुझे लगता था लाइफ ऐसे ही होती है जैसे मैं जी रहा था, जब तक तुम इसमें नहीं आई तुम आई और सब कुछ बदल डाला। आई एम कमिंग टू यू, ट्रस्ट मी आई विल। तो कहीं ना कहीं वो कह रहे हैं कि भाई थोड़ा तो विश्वास रखो, मैं ज़रूर आऊँगा, ऐसे होपलेस मत बन जाओ। क्योंकि डीएफ का तो हमने देखा ही था, डीएफ का कि पूरा ध्यान कहीं और शिफ्ट हो गया है और इस कनेक्शन पे बिल्कुल भी नहीं रहा है। तो ये और डीएफ कोई एक्शन लेना ही नहीं चाहती, डीएफ कोई कोशिश करना ही नहीं चाहती। ये चीज़ जो है डीएम को अब इस कनेक्शन के लिए, ये चीज़ जो है डीएम को अब थोड़ा थोड़ा लगने लग गई है, तो विश्वास दिलाने की कोशिश करें कि ट्रस्ट मी मैं आऊँगा। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस, फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय।